हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पावरफुल वचन आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन देगा और आपको बताएगा कि जब आप संघर्षों में से, जब आप चैलेंजेस में से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर आपसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, अगर जीवन की बात की जाए तो ये उतार और चढ़ाव का एक बहुत ही प्यारा सा मिश्रण है और कई बार ऐसी चुनौतियां होती हैं जो आप हैंडल कर सकते हैं और कई बार ऐसे संघर्ष होते हैं, ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिन्हें हैंडल नहीं किया जा सकता। अब स्ट्रगल्स भी अलग अलग वजहों से आती हैं, प्राइमरली तीन रीजंस हैं। एक तो अगर कोई नेचुरल कलामिटी आ जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए जो नेचर में है, जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उसके साथ कम्युनिटीज ऑब्वियसली अफेक्ट होती हैं, लोग अफेक्ट होते हैं और उसका खामियाजा सारी की सारी जो कम्युनिटी है उनको भुगतना पड़ता है। दूसरी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस की रीजन होती है जब इंसान अपने गलत मोटिव्स की वजह से चीज़ों को तहस नहस कर देता है, तो उसकी वजह से वर्ल्ड में अलग अलग तरह के संघर्षों से बाकी लोगों को होकर जूझना पड़ता है। और तीसरे होते हैं जो आपके पर्सनल लेवल पर या आपके इंडिविजुअल लेवल पर आप अपने संघर्षों को फेस करते हैं, जो शायद आप अपनी प्राइवेट लाइफ में या आप अपनी फैमिली लाइफ में उनको देख सकते हैं और उनमें से उभरने की कोशिश करते हैं। सो चैलेंजेस, स्ट्रगल्स चाहे कैसी भी हों, एक मुद्दा जो कॉमन रहता है वो ये है कि हम जान पाएं कि ये स्ट्रगल्स क्यों आई हैं। सो हमारे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है, व्हाई, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, और इसकी तह तक जाने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। अब अगर हम अय्यूब की कहानी ही देखें तो अय्यूब की लाइफ ऐसी थी कि उसने सब कुछ अच्छा देखने के बाद में एकदम स्ट्रगलफुल फेस को देखा और एक के बाद एक के बाद एक चैलेंजेस आते चले गए जिसकी वजह से उसने सब कुछ गंवा दिया। अब हर एक बात में तब तक तो वो बड़ा मजबूत था जब तक उसे लगा कि वो हैंडल कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उसने परमेश्वर से पूछना शुरू किया कि प्रभु मेरे साथ क्यों, मुझ पर क्यों। यहां तक कि उसके फ्रेंड्स ने भी उसके ऊपर जो है दोष लगाने शुरू कर दिया, उसे जज करना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली अब ऐसे सेल्फ डाउट में तो कोई भी इंसान आ जाएगा, तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे परमेश्वर से पूछने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप बताएं क्यों, इस चीज का क्यों, इस चीज का क्यों। और वो परमेश्वर से बहुत सारे आंसर्स चाहता था। देखिए, प्रभु ने बात की तो सही, 37 चैप्टर तक परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन 38th चैप्टर में आते आते परमेश्वर ने अय्यूब से, जोब से बात की। अब जोब ये सोच रहा था कि परमेश्वर उसे वैसे आंसर करेंगे जैसे वो चाहता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसा मुझे जवाब चाहिए प्रार्थना का, परमेश्वर वैसे ही मुझे प्रार्थना का जवाब दे। जब आप परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांग रहे होंगे, आपको लगेगा कि शायद अचानक ही कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी बॉडी जो है वो बड़ी दमदार हो जाए। जी नहीं, परमेश्वर आपको ऐसे पड़ाव में से लेकर जाएंगे जहां पर आप अपने दम का प्रदर्शन करेंगे और आपके जो मसल्स हैं वो बिल्डअप होंगे। तो परमेश्वर आपको कोई घुटी नहीं पिला देते कि आप में दम बढ़ जाए, वो आपको ऐसी सिचुएशंस में से लेकर जाएंगे जिनमें आपका जो बल है वो बनता चला जाए, बढ़ता चला जाए। जब आप परमेश्वर से अकल मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ घोला और आपके जीवन में डाल दिया, आपके ब्रेन को खोला और उसमें बहुत सारी अकल, बहुत सारी विजडम आ गई। जी नहीं, जब आप विजडम मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी सिचुएशंस में से लेकर जाएंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस में से लेकर जाएंगे जहां पर आपकी अकल बढ़ती चली जाएगी, जहां पर आप उन पड़ाव में से होकर जाएंगे और आपको पता होगा कि पिछली बार ये गलती हुई थी या पिछली बार ये एक्सपीरियंस था, मुझे इसके हिसाब से ऐसा जो है फैसला लेना चाहिए। सो जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, मिलता तो है पर शायद कई बार ऐसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं, प्रॉबेबली उस पैकेज में नहीं मिलता जिसमें आप परमेश्वर से चाहते हैं। सो अय्यूब भी परमेश्वर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था और उसे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर परमेश्वर से चाहिए था। अब जब 38th चैप्टर में परमेश्वर ने बात करनी शुरू की तो अय्यूब को लगा कि शायद प्रभु मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स वैसे ही देंगे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। पर यहां पर हुआ क्या कि उसकी ऑलरेडी स्ट्रगलफुल लाइफ में, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स से भरे हुए जीवन में परमेश्वर ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब उसका क्वेश्चन ये था, व्हाई व्हाई व्हाई, यानी क्यों परमेश्वर, क्यों परमेश्वर, क्यों। और परमेश्वर उससे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कौन, हु। जी हाँ, परमेश्वर अब उससे पूछना शुरू करते हैं सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस, जूलॉजी के बारे में, मेडिकल के बारे में, परमेश्वर उससे बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में,
चंदा तारा के बारे में, परमेश्वर सारी चीजों के बारे में उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और प्रभु ये पूछ रहे हैं कि आखिर इन सबों को कौन संभाल रहा है, कौन, पृथ्वी की नींव किसने रखी, संसार को कौन चला रहा है, इन सब सेलेस्टियल बॉडीज का ध्यान कौन रख रहा है। तो परमेश्वर ने बजाय इसके कि उसके वाई का जवाब दें, क्यों का जवाब दें, परमेश्वर ने उससे पूछा कौन। मेरे अजीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप परमेश्वर से ये बात पूछते हैं कि प्रभु क्यों, आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे हालातों में ही क्यों, तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो बात परमेश्वर ने अय्यूब से कही थी, कौन, यानी कौन है जो इन सब चीजों को चला रहा है, कौन है जो धरती को एस्टैब्लिश करता है, कौन है जो धरती की सब चीजों को, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को संभालने वाला है, कौन है जिसके शब्द मात्र से चीजें हो जाती हैं, कौन है जिसकी नजर हर एक चीज पर होती है। आपको शायद अपनी इंडिविजुअल लाइफ दिखाई देती है, पर परमेश्वर के सामने पूरी यूनिवर्स है, करोड़ों गैलेक्सीज है, और उन करोड़ों गैलेक्सीज में उससे भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट पर कुछ ना कुछ ऐसा जिसे परमेश्वर संचालित करते हैं। अगर परमेश्वर उन सभी चीजों को इतने स्पेक्टेकुलर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन को हैंडल नहीं कर सकते। तभी परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा कि कौन करता है ये सब कुछ, और ऑब्वियसली वो बिल्कुल डंबफोल्ड रह गया, यानी वो बिल्कुल चुप रह गया, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब ही नहीं था। हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं जानते, आने वाले उस कल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, पर एटलीस्ट अगर आप आने वाले कल पर विश्वास नहीं कर सकते, तो उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसके हाथ में आपका आने वाला कल है, जो आपके बीते हुए कल को, जो आपके आज को और आपके आने वाले कल को संभालने वाला परमेश्वर है, और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। सो अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे अपने आप पर, अपने हालातों पर, अपनी किस्मत पर, अपने आने वाले फ्यूचर पर, तो कम से कम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज बड़ी स्पेक्टेकुलर तरीके से, बड़ी ही मेटिकुलस तरीके से लिखी है, चाहे वो पृथ्वी की नींव है, चाहे वो गैलेक्सीज है, चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे वो समुद्र के प्राणी है, चाहे वो आकाश की चीजें हैं, यानी हर एक चीज का ख्याल रखने वाले, हर एक चीज को वेल फॉर्मेट में करके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाने वाले परमेश्वर है। तो अगर आपकी लाइफ में एक पैच ठीक नहीं चल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए उस चीज को लेकर। जी नहीं, आपके जीवन का हर एक पहलू जब आप परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो प्रभु उसे वैसे ही ऑर्गेनाइज करके चलाएंगे जैसे आप सब कुछ इस जगत में देखते हैं। सो आज मेरे अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस वचन के साथ, और आपको एक बार फिर से परमेश्वर में मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप उठे, अपने जीवन की भागदौड़ को परमेश्वर के सामने रखें, और याद रखें परमेश्वर जो सारी दुनिया को संचालित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, वो आपके जीवन को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और कर भी सकते हैं। सो आज मैं आपके लिए यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके जीवन में उन भले कामों को दिखाए जिन्हें आप देखना चाहते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार दिखाएं जैसे प्रभु करना चाहते हैं, और जैसे परमेश्वर की इच्छा आप हर एक शय में देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन में भी देखें, क्योंकि याद रखें आपकी योजनाओं से, आपकी प्लानिंग से फार मोर बेटर, कहीं बेहतर है परमेश्वर की योजनाएं जो वो आपके जीवन में रखते हैं। सो आज इसी विश्वास के साथ और आज इसी इनकरेजमेंट के साथ मैं इस वीडियो में आपको इन बातों को सिखाना चाहती हूँ, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हमसे जुड़े हैं, तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज ये वचन सुनने की ज़रूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।